अस्सलामुअलैकुम, सब कैसे हैं? मैं शेफ ब्यूटी लॉन से शफ़क बात कर रही हूँ, और ये आपको कुछ पुलाव टाइप नज़र आ रहा होगा, चावल पुलाव। तो ये मैं बता दूँ कि जो रात के बचे हुए चावल होते हैं, सब्ज़ी बनी हुई थी मेरी, आलू मटर गाजर, शायद कुछ दिनों पहले मैंने आपसे जिक्र किया था उसका, और थोड़ी सी दाल भी थी। वो सब मैंने सोचा कि इसको एक पुलाव की शक्ल में लेके आती, थोड़े से टमाटर भुने मैंने, और उसके बाद मैंने थोड़े से प्याज फ्राई की, और आपने पुलाव बन गया है। इसके साथ ही मैं कहूँगी कि जब आपका कोई खाना रात का बच जाए तो उसको डिस्ट्रॉय करने के बजाय आप उसको काम में ला सकते हैं बड़े आराम से, और ये बहुत मज़े का पुलाव बन गया है। इसमें मैंने थोड़ा सा चाट मसाला डाला है, हरी मिर्च डालूँगी, अभी मैं हरा मसाला डालूँगी, और ये रेडी है खाने के, थोड़ा सा दम लगाऊँगी। तो आज एक छोटी सी बात भी करने के लिए जा रही हूँ, और वो छोटी सी बात ये है कि जो खामोश लोग होते हैं ना, उनसे प्लीज़ थोड़ा सा ख्याल रखा करें, क्योंकि इंसान बोलता है, चलता है, चीखता है, चिल्लाता है, अपनी बातें मनवाने की कोशिश करता है, लोगों को सुनाने की कोशिश करता है कि वो सुने। जब उसकी नहीं सुनी जाती तो फिर वो अल्लाह से लो लगा लेता है, और जब अल्लाह से लो लगा लेता है तो फिर वो फिर अल्लाह से शिकायतें करता है, वो आपकी भी शिकायत कर सकते हैं। तो प्लीज़ मिलजुल के रहा करें, खुशी खुशी रहा करें, दूसरे का ख्याल रखा करें। एहसास आजकल ख़त्म हो चुका है, बहन भाइयों का भी एहसास ख़त्म हो गया है। वालदैन भी उस औलाद को पूछते हैं जो अमीर होते हैं, जो स्टेबल होते हैं, जो कमज़ोर औलाद होती है उसको नहीं पूछते। मैंने देखा उसको, उससे भागते हैं, दूर भागते हैं, और उसके पास से हट जाते हैं जो कमज़ोर हो जाते हैं माली तौर पर, अगर कमज़ोर हो जाए, और अगर कोई आजमाइश आ जाए औलाद की सूरत में, तब भी मैंने देखा है कि पेरेंट्स भाग जाते हैं। अल्लाह ताला बस, अल्लाह ताला सबको अपनी ज़मान में रखे, और सबको अच्छी ज़िंदगी दे। दुआओं में याद रखा करें, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट बॉक्स में बताया करके मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, और विज़िट माई सैलून। ओके, अल्लाह हाफिज़।